नमस्कार दिन तमाम खबर सहित अर्ग सुपरफास्ट को स्वागत करछु। स्वप्ना आरंभ करिबा खबर अभियान अफगानिस्तान प्रसंगे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सह कथा होइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुतिन को सह मोदी फोन जोगे दीर्घ 45 मिनिट धरी विभिन्न प्रसंगे कथा होइछंती। समय अफगानिस्तान स्थिति उपरे विस्तृत भावे आलोचना करा जायछि। दुई राष्ट्र नेता मिलीमिशी एही संकटर मुकाबला करबा दिगरे काम करबाकु इच्छा प्रकाश करिछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करी कहिछंती अफगानिस्तान स्थिति उपरे बंधु राष्ट्रपति पुतिन को सह विस्तृत एवं उपयोगी आलोचना होईछि। एहा सह द्विपाक्षिक प्रसंग उपरे मध्य चर्चा होईछि जेउथरे कोरोना विरुद्ध रे भारत रूस सहयोगी भावे सामिल अछंती। हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान रे फसी रहितबा भारतीयों को सुरक्षित उद्धार करबा पई अभियान जारी होईछि। भारत पक्षरु जारी रहितबा एही ऑपरेशन को देवी शक्ति ना दिया जायछि। विदेश मंत्री एस जयशंकर एही सूचना देइछंती तबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे एही ऑपरेशन ना देवी शक्ति रखितबा जणा पडिछि। नागरिकों को हिंसारु रक्षा करबा पई एहा एक प्रयास। मां दुर्गा जेपरी निर्दोष को राक्षसठारु रक्षा करंती ठीक सेहीपरी काबुलु नागरिकों को सुरक्षित उद्धार करबा पई सरकार एही ऑपरेशन चलाइछंती। एही कारणरु एही ऑपरेशन को देवी शक्ति ना दिया जायतबा जणा पडिछि। एहा पूर्वरु सुडान रु भारतीयों को उद्धार करबा पई मध्य एही परी ऑपरेशन संकट मोचन अभियान करा जायतिला। सेबडे 16 अगस्त परठारु वर्तमान सुद्धा 800 जणों को सुरक्षित उद्धार करा जाय देश को आणा जायछि। जारी रहिछि अफगानिस्तान रु भारतीयों को आणिबा को प्रयास। आज काबुल रु एयर इंडिया माध्यम रे 25 भारतीयों समेत 78 जणों को नहीं भारत आसी। तबे सेठारु आसीबा समय रे विमान भितरे किछु यात्री जो बोले सोनीहाल कही निजरो उत्साह और खुशी जाहिर करछंती, जरो वीडियो वर्तमान सोशल मीडिया रे वायरल हेबारे लागछि। सेबडे अमेरिका पक्षरु वर्तमान सुधा 10,900 अमेरिकियों को काबुल रु देश को अणा जायछि। 15 सामरिक विमान साहाज्यरे प्राय 6,600 जणों को स्थानांतर करा जायछि। सेपरि अन्य 34 मित्र देशर विमान साहाज्यरे 4,300 जणों को उद्धार करा जायछि। अगस्त 14 परठु अमेरिका प्राय 48,000 लोकों को स्थानांतर करिबारे सफल होईछि। जुलाई रु एही संख्या 53,000 रहितबा व्हाइट हाउस पक्षरु ट्वीट करी सूचना दिया जायछि। तालिबान शक्तिशाली हेबा पछरे रहिछि पाकिस्तान रा हात। अतीतरे मु एमिति अनेक प्रमाण आ वीडियो देखुछि जहां मोर संदेह को ठीक प्रमाणित करुछि। एभली बयान देइछंती अफगानिस्तान रा पॉप स्टार आर्यन सईद। से कहिछंती जेबे भी अफगान सरकार कोनोसी तालिबानी को गिरफ्त करे सेतेबेले से पाकिस्तान रा नागरिक होइतिबा जणा पडथाय। पाकिस्तान रे ही तालिबानी को ट्रेनिंग हुए जहां कि आगो को जाई सारा विश्व पई विपद सृष्टि करुछि। आर यू अपसेट विद योर प्रेसिडेंट मिस्टर घनी? He left the country in the middle. And also, do you see any resistance which is coming? Now we are hearing reports that in from Panchi there is a resistance force which is coming in, but in the face of Mr. Saleh. How do you look at these sequence? I am truly, truly disappointed with the guy, with the president, the way he left Afghanistan in the hands of a bunch of Pakistanis, and he just let down our people. He let down our country. He let down. Our armed forces, our military. I mean, how could they fight on without any leaders? If there's no leaders, there's no military. So it was very sad and very upset. I'm actually pissed off with him for what he did. That was very coward of him to do something like that. I remember even until the day we were leaving, and until the 15th of August, even in the afternoon, he was still giving speeches. And he was promising people that everything is going to be okay and we're going to fight and stuff like that. And within the next few hours, he just disappeared and left people like that. But anyway, besides that, and whatever that's happening right now, I mean, from Panjshir, and they're trying to, you know, come and fight against Taliban. It's very brave of them and everything. I appreciate that. But at the same time, I am scared of Afghanistan going back to the war. You know, civil war, which is really scary. We've been through that, you know,
And I don't want Afghanistan to go through that once again. I'm scared for people. I'm worried for them. I'm really concerned. And I don't know what to expect, honestly. All the best to you. केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी आणिले श्री गुरु ग्रंथ साहिब को तीन स्वरूप जहां को अफगानिस्तान काबुल रु विमान जरिया रे अणा जायछि दिल्ली विमानबंदर पहुंचा पर किसी एभली दृश्य देखा मिलता अवश्य सिख समाज को काबुल विमानबंदर पहुंचा पूर्व रोका जाता देश न छाड़ा यार भितर भारतीयों सह श्री गुरु ग्रंथ साहिब को तीन स्वरूप सुरक्षित देश में पहुंची सारी देशरे प्रथम एमआरएनए कोरोना टीका सुरक्षित प्रथम पर्याय सफलता परे द्वितीय एवं तृतीय पर्याय परीक्षण पर मिलला अनुमति पुणि स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल देशर प्रथम एमआरएनए कोरोना टीका विकसित करने दिगरे काम करुछि कंपनी यार प्रथम पर्याय परीक्षण रिपोर्टरु सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एवं नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया जायछि केन्द्र सरकार एससी टीकार प्रथम पर्याय डाटा सुरक्षित एवं प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाए बोली कहिछि टीकार द्वितीय पर्याय देशर 10 रु 15 टी स्थान एवं तृतीय पर्यायर क्लिनिकल ट्रायल 22 रु 27 स्थान रे करा जिबा कु योजना करा जायछि एमआरएनए एक नुआ प्रकार टीका जहां संक्रमित रोग विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करिथाय एमआरएनए वैक्सीन आम शरीर में थिबा सेल गुडीकु प्रोटीन तयारी करबा पई सिखाइथाय जहां आम शरीर भितरे सुरक्षा प्रदान करिथाय केन्द्रमंत्री नारायण गणे गिरफ को नहीं महाराष्ट्र उद्धव सरकार को चारिड़ समालोचना बाण घटना को चारिड़े निंदा करा बेले तीव्र विरोध करिछि बीजेपी बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा समय केन्द्रमंत्री नारायण राणे को गिरफ करिछि महाराष्ट्र पुलिस महाराष्ट्र पुलिस एभली पदक्षेप को नहीं कड़ा प्रतिक्रिया बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नुआ शिक्षानीति को नहीं पांच उपक्रम को देश आगे रखिले केन्द्र शिक्षा मंत्री ऑनलाइन गैजेट और सुविधा नथिले भी एथर घरे बसी पाठ पढ़ी पारे छात्र छात्री ऑनलाइन सुविधा नथिले पाठ पढ़ापाई विकल्प व्यवस्था करा जायछि एही अवसर रे कॉमिक एक्टिविटी बुकलेट प्रिया उन्मोचन करिछंती केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शुणी और देखु पारु नथिबा पिलांक पाई प्रिया बुकलेट एक बड़ बुस्ट हेबो सेहिपरि क्यूआर कोड जरियारे अधिक तथ्य जानि पारिबे छात्र छात्री पिछले 4-5 साल में भारत की एक महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा और सामाजिक न्याय और कल्याण विभाग जैसे विभाग मिलके जो एक नई अप्रोच लाया गया है जिस अप्रोच के जिस आग्रह के एक मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अभी अभी 15 अगस्त की भाषण में प्रधानमंत्री जी ने सैचुरेशन की बात कही है जो विषय हम करेंगे सरकार टुकड़े में नहीं कर सकती है इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं हो सकती है टोटालिटी में करना पड़ेगा आजादी के अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं तब तो सैचुरेशन की बात और महत्व हो जाती है और उसी दिशा में सिर्फ फिजिकल सैचुरेशन नहीं हमारे सामने जो परिसंख्यन की चुनौती है हम कितने नंबर उपलब्ध कराए वो नहीं फिलोसॉफिकली हम पूर्णांग हुए कि नहीं हुए मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी का एक लेखा जोखा है उसी का एक विचार बिंदु है उसी का एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है ये कोई आंकड़ा प्राप्ति करने का एक मसौदा नहीं है ये 21वीं सदी को भारत की 21वीं सदी में भारत की भारतीय मूल्य व्यवस्था की और भारत की नागरिकों की नेतृत्व में विश्व कल्याण हो ऐसा एक मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कोरोना काल रे निपुण भारत को आग को नेबा को प्रयास एनआईओएस वर्चुअल स्कूल लोकार्पण करिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तृतीय श्रेणी पर्यंत पिलांक पाई निपुण भारत योजना बड़ सफलता आणिबो वर्तमान 7.5 कोटी प्रथम रु
तृतीय श्रेणी मध्यरे पढ़ुचंती कोरोना कालरे विकल्प शिक्षा को नहीं नुआ क्यालेंडर मध्य आसिछि। स्कूल रे अव्यवस्था फलरे पिला छाड़ुथिले पाठ पढ़ा किंतु आगकु गांरे प्रतिटि स्कूल रे पहुंचिबो इंटरनेट एवं आनुषंगिक व्यवस्था फिजिकल क्लास सह डिजिटल मॉडल रे पाठ पढ़ा हेबो। ए अवसर रे केंद्रमंत्री कहितिले नंबर नुहे शिक्षा को आगकु नेबाकु ए नुआ नीति शिक्षा क्षेत्र रे विश्व रे नेतृत्व नेबो भारत। निजरा संबोधन रे उत्कलमणि गोपबंधु दास ओ भीमबोई को मने पकाइतिले धर्मेंद्र प्रधान। ओडिसा रे पहुंचिले जल मानव डॉक्टर राजेंद्र सिंह खरसोता बंचा आंदोलन को समर्थन जणाइबा पई श्री सिंह आज भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचिचंती। खरसोता आंदोलन रे जेउ भली सरकारन को आभिमुख्य हेबा सेपरी होइ नाही जहाकु नै से दृढ़ मनोभाव निंदा करबा को ओडिसा रे पहुंचिचंती। एही नदी जल केउ कंपनी को नुहे एथिरे जनसाधारण को अधिकार रहिची। पूर्वरु जेउ स्थान रे एही भली घटना घटिची आमे स्वर उठाइचु एवं एथिरे मध्य उठाइबु। लोकंक ठारु तांकर एही पानी रो अधिकार राज्य सरकार छडाई नेबाकु उद्यम करुछंती ताकु से घोर निंदा करिछंती। खरसोता नदी में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के को जिस तरह से पॉजिटिवली सरकार को लेना चाहिए था वो नहीं ले रही है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है मैं उसकी निंदा करने आया हूँ और आंदोलन के समर्थन में आंदोलन को सफल करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये जो पानी है खरसोता नदी का ये किसी कंपनी का नहीं है, ये पानी लोगों का पानी है, तो लोगों का उस पानी पर अधिकार है। इसलिए कोई कंपनी उस पानी को उठा के किसी और को दे ये अन्याय है। सरकार को ये करना चाहिए कि दोनों जिलों को दोनों को खूब पानी मिले, इसलिए कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का काम शुरू करना चाहिए बजाय कंपनी डेवलपमेंट के। प्रकाश पाइला मैट्रिक ऑफलाइन परीक्षा फल। परीक्षा देइथिबा छात्र छात्रि को मध्यरु 5233 जन पास करिछंती, 141 जन छात्र छात्री फेल होइछंती। मोट पास हर 80.83% रहिछि। पास को मध्यरु पुओस को संख्या 3100 ओ झियो को संख्या 3133 रहिछंती। ऑफलाइन मार्किंग असंतुष्ट देइथिबा पर ऑफलाइन परीक्षा देइथिले छात्र छात्री A1 ग्रेड पाइछंती मोट 42 जन छात्र छात्री, सेहिपरि A2 255, B1 348, B2 458, C 599, D ग्रेड पाइछंती 846, E ग्रेड पाइछंती 2685, F ग्रेड रे 141 जन रहिछंती। हमर टोटल 5233 जन पिला पास करथिले, पास करचंती आउ 141 जन पिला फेल हेचंती। हमर पास रो परसेंटेज होची 80.83। ये जिते पिला पास करूँ पुओ पिला हूँ 3100 पास कर झीओ पिला 2133 जन पास कर जो परीक्षा जो ग्रेड पाई झीओ पाई 2133 जन ए परीक्षा ए ओन पाई 42 जन ए टू पाई 255 जन बी ओन पाई 348 जन बी टू पाई 458 जन सी पाई 599 डी पाई 846 ई पाई 2685 एवं एफ होचे एफ माने फेल जोटा 140 जण। ए जो ऑफलाइन परीक्षा हला आमे निजे परीक्षा करलु से माने सब्जेक्टिव एवं ओएमआर रे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू परीक्षा ओएमआर आंसर शीट रे देले एवं सब्जेक्टिव परीक्षा क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट रे देले। तेनुकर सेमान जदि चाहिबे ताको खाता ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ନିଜର ଚେକିଂ ଅଫ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଜୋନାଲ ବୋର୍ଡ଼ର ଜୋନାଲ ଅଫିସ୍। ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 625 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होता बेले 67 जन आक्रांत प्राण हर मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 7493 को वृद्धि पाई। मृतकों मध्य कटक्रु सर्वाधिक 20 और जगत सिंहपुर जिलूर 14 जन आक्रांत। अच्छा राज्य में एवं 8443 आक्टिव केस रही। सेपटे कोरोना को हर सुस्थ हेले 986034 जन।
ଗତକାଲିଠୁ ଖୋଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ନ ମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ରାଜଧାନୀର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ କୋଭିଡର ଦୁଇଟି ଟିକା ନେଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲା ବିଏମ୍ସି। ଦୁଇଟି ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଯାଇପାରିବେ। ହାର୍ଡ କପି ବା ସଫ୍ଟ କପି ଦେଖାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ାରେ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡେଲ ପାର୍କ। 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପାର୍କର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା। ଏହି ପାର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ମଣ୍ଡପ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ଉପକରଣ, ଜିମ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟ୍ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦିଲୀପ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଜିମ୍ ରହିବ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳନା ରହିବ, ଯୋଗ ପିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମଡେଲ ପାର୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଗ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ୱାକିଂ ଟ୍ରାକ୍ ବି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 29 ଏବଂ 30ରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରକୁଲ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ 2012 ମସିହାରୁ ଆମକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଆକ୍ଟରେ ଆମକୁ ସମାନତା ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2016 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, 5D ସଚିବ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜବ୍ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଧାରଣା ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଚାକିରି ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି ଆସନ୍ତା କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ ଦିନ, ତ ସେଇଦିନ ହିଁ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଏବଂ ସେଇଦିନଟିକୁ ଆମେ ମାନେ କଳା ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଧବଳହରା ଗାଁ କେନାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଅଜଣା ଯୁବକର ମୃତଦେହ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। କେହି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଛି ପୋଲିସ। ସହାୟତା ମାଗୁଛି 3 ବର୍ଷର ଶ୍ୱେତସ୍ମିତା ରାଉତ। ନ୍ୟୁରୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେଲା କଷ୍ଟ ପାଉଛି ରାଜଧାନୀର କୁନି ଝିଅ। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୋଲେରୋରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ୱେତସ୍ମିତାଙ୍କ ମା ଏକ ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ସହାୟତା ଲାଗି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇକି ଅଛି। ଆଉ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସେମିତି ବି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବେ ତ ମୋ ପିଲାଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇକି ଭଲ ହୋଇକି ଘରକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିପାରିବ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାଟି ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 25 ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। ସେହିପରି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଫଳରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ସହ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। 340 ନମ୍ବର ସହ B2 ଗ୍ରେଡ୍ ରଖି ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଥିଲେ ବିଧାୟକ। 3 ଥର ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାର
ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। केशपुर छक बुलिला खंडा और भुजाली दोकान घरे पशि गोटे पर पांच जन को मरणातक आक्रमण खलिकोट मेडिकल रे भर्ती होती आहत दुई गुरुतर को ब्रह्मपुर एमकेसीजी स्थानांतर कर आठटा बाइक रे कोड़े ऊर्ध दुर्बृत हाथ में खंडा भुजाली धरी अतर्कित दोकान भितर पशि आक्रमण कर पूर्व शत्रुता को केन्द्रको एभली कांड घटी जमापड़ पुलिस पहुंचा पर दुर्बृत मैंने घटनास्थल चंपट मारी खलिकोट पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर। कटकर युक्त दुई छात्र स्मृतिरंजन महांती को संबर्धित कले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान महमबती में एक इंच जगन्नाथों प्रतिमूर्ति करी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रे स्थान पाई स्मृति अवसर में केन्द्र मंत्री को स्केच फोटो प्रदान करते स्मृतिरंजन। कटक जिला जगतपुर महानदी आज एक युवक गलित मृतदेह उद्धार कर जगतपुर पुलिस गत दुई दिन तले वृंदावनपुर ग्रामर जड़े युवक महानदी सेतु उपर दुई दिन तले पानी को डेईबार अभोग आनी युवकों पर लोके आज मृतदेह मिलवा पर पुलिस पर लोकं खबर देवा पर लोके मृतदेह को चिन्ह अंपक मृत्यु पक्षर कारण खोजी बाहर करने को अनुरोध करके। पूरी पिपिली यूनियन बैंक कर्तृपक्ष टंका हड़प अभोग रथ पुरुषोत्तम पंचायत आंचलिक महिला मंचर जमा खातार जुलाई 17 अनेश्वत हजार टंका उठाई अभोग कर मंचर सभानेत्री और संपादिका ए संपर्क में बैंक कर्तृपक्ष पचार खाताधारी अगोचर में पुणी टंका जमा कर बैंक कर्तृपक्ष घटना को स्वीकार करने दोषी कर्मचारी विरोध में कार्यानुष्ठान ने प्रतिश्रुति एने सात शख फांडी में लिखित अभियोग कर आम हूँ रथ पुरुषोत्तम मंच में आमर थिला 99,098 टंका आम आसलु 17 तारीख दिन सारे आमको फोन कर पासबुक नाप आसल चेकबुक चेकबुक नेबा आसला सार कह तुम आकाउंट में किसी पैसा नहीं तुम 1000 टंका डिपोजिट कल चेकबुक नब आम कहूँ सारे आम तो 99,000 टंका थी आम गला कड़े आसिक बारंबार आम दुजन सेक्रेटरी प्रेसीडेट सैन करूँ कि कौन दिहनी चेकबुक लगनी आप पैसा देने केमी ना आम गोटे अलग मानते गोष्ठी की से गोष्ठी देते आम चेकबुक नंबर पाला से कमी से पैसा उठला कमी सर डाकू कह सार कहते डाकबे कि कहार कहते जाओ तुम हाथ में कौन हो तुम थाना को जी कि कौन कर भिड़ रही नेटवर्क नहीं आकाउंट नंबर गोटे दुटा डिजिट रो चेंज हो कि असुविधा हो जाए ना आम कि कही ना आमको रिटर्न देते आम कहूँ गोटे दिन पर मैटर को सर्ट आउट कर। पूरी पिपिली सरस्वतीपुर पंचायत पार्क निर्माण में व्यापक अनियमितता होता अभियोग विद्यालय पुराणा पाचेरी देखा पार्क आचेरी अर्थ को हड़प कर अभियोग सरकारी जमि में पार्क नक विद्यालय पार्क निर्माण को विरोध कर ग्रामवासी सेपटे विद्यालय पार्क हेले कौन असुविधा ना विडीओ तोषरपात अभियोग सत होते कार्यानुषान बोली प्रतिश्रुति। विजिलेंस जलरे भद्रक सीडीपीओ को कार्यालय सुपरवाइजर मल्लिलता दास आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग मल्लिलता अरडी छकस्थित घरे विजिलेंस टीम रो चढ़ाउ तीनोटी टीम चढ़ाउ करी तांको घरे चढ़ाउ करथिले बोली जणा पड़िछि। बालेश्वर जिले में चली बेधड़क धड़ा जहर कारबार विभिन्न समय चढ़ाउ होइथिले मध्य चोरार चली कारबार आउ धड़ा जहर कारबार रो किंगपिन साजिछंती महिला विलंबित राति रे चढ़ाउ करी जणे महिला को गिरफ्त करबा सह 500 ग्राम रो अधिक ब्राउन सुगर जबत करिछि जलेश्वर पुलिस एहार आनुमानिक मूल्य पाखापाखी 50 लाख टंका हेबो बोली सूचना रहिछि। मयूरभंज उदला थाना संकरा खुंटा गाँव में कंगारू कोर्ट दूर संपर्कियों को विवाह करथिबारु गाँव रु बासंद हेले स्वामी और स्त्री गाँ छाड़ी नगले घर आगे कंटा बाड़ पकाइबाकु धमक देछंती ग्रामवासी घटनास्थल में पहुंची उदला पुलिस बुझा सुझा करिबा परे मध्य कौनसी सुफल मिलला नहीं। भितरकनिका जातीय उद्यान रे आरंभ होइछि पक्षी गणना कार्यक्रम एही पक्षी गणना कार्यक्रम 7 दिन पर्यंत चालिबो बोली जणा पड़िछि। पक्षी गणना पई 2टी टीम गठन करा जाइथिबा बेले 7 जणकु ने गोटिए लेखाई टीम गठन करा जाइछि। 7 दिन भितर 2टी टीम को गणना प्रक्रिया शेष करने पर कनिका रेंज ऑफिसर मानस दास सूचना देखते।
କନ୍ଧମାଳ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ବୃଙ୍ଗିପୋଡ଼ି ଛକରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଏକ କାର୍ରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ମାମଲାରେ 3 ଜଣ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ 2 ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ କାର୍ ସହ 43 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ ସୁପରଫାଷ୍ଟରେ ସମୟ ସରିଛି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।